दोस्तों हमारे YouTube चैनल RL Academy पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो ओबीसी का एक प्रपोजल था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो क्रीमी लेयर की लिमिट 8 लाख है, अभी हाल में 8 लाख है, उसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्रीमी लेयर क्या होता है ये चीज तो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर कर दी थी, फिर से बता देता हूँ। क्रीमी लेयर में वो बंदे आते हैं जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है, और नॉन क्रीमी में वो बंदे आते हैं उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है। ठीक है, नॉन क्रीमी वालों को, तो उसके लिए लिमिट डिसाइड की थी कि 8 लाख से ऊपर वाले क्रीमी में और नीचे वाले नॉन क्रीमी में। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कुछ रूल अलग थे, वो आप मेरा पिछले वीडियो में जाइए, वहां पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहां से क्लियर है? तो ये क्या हुआ था, 2017 में क्रीमी लेयर की इनकम मोदी गवर्नमेंट ने रिवाइज की थी। अब ये हर 3 साल में इसकी इनकम को रिवाइज किया जाता है। तो पहले जो हुई थी वो हुई थी 2017, 2017 में ये क्रीमी लेयर की इनकम रिवाइज हुई थी। ठीक है, लेकिन 2017 में तो ये रिवाइज हो गई, लेकिन हर 3 साल में होती है, तो अब ये कब रिवाइज होनी चाहिए थी, 2020, 2020 में फिर से इसको रिवाइज किया जाना चाहिए था, लेकिन इसको रिवाइज नहीं किया गया। तो इसके लिए अभी जो बजट सत्र चला था वहां पर भी मांग उठी थी कि इसको चेंज किया जाए। तो इसको बढ़ाने की कितनी बात हुई थी, 8 लाख पहले थी, उसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया जाए। कितनी कर दी जाए, 12 लाख। ठीक है, तो अपन इस न्यूज को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको न्यूज को क्लियरली पढ़ देते हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग ए प्रपोजल फॉर रिविजन ऑफ इनकम क्राइटेरिया डिटरमाइनिंग द क्रीमी लेयर अमॉन्ग ओबीसी। तो ओबीसी में क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया होता है उसको एक्सपांड करने के लिए एक प्रपोजल मिला। ठीक है, तो लोकसभा ऑन ट्यूजडे, जब अभी लास्ट फेब्रुअरी में लोकसभा चली थी, तो मंगलवार को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस SJJ डिपार्टमेंट, जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट होता है, उसके कृष्णपाल गुर्जर जी ने एक प्लान प्रपोज किया। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि इसकी क्रीमी लेयर की लिमिट को 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो कृष्णपाल गुर्जर इन्होंने किया था इसके बारे में। अब क्या होता था कि NCBC की भी एक कमेटी बनी हुई है, NCBC की जो कमेटी बनी हुई है उसके कौन है, बीपी शर्मा, हेडेड बाई बीपी शर्मा, जो ओबीसी की पार्लियामेंट में जो कमेटी है उसको बीपी शर्मा हेडेड करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था, सोशल जस्टिस और एजुकली बैकवर्ड SCBC से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सब ने मिलकर एक रिपोर्ट दी कि क्रीमी लेयर की इनकम रिवाइज होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई। तो इसके बारे में अगर ये संसद में मुद्दा उठ गया, अगर ये अभी जो संसद सत्र चला था उसमें अगर ये मुद्दा उठ गया, तो माय डियर फ्रेंड, इसकी क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब 2021 में किसी भी हाल में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाकर 12 लाख कर दी जाएगी। कुछ संशोधन होंगे, लेकिन बड़ी ही जल्द इसको 12 लाख कर दिया जाएगा। हो सकता है अगले मंथ में, अप्रैल में आ जाए, मई में आ जाए, जून में आ जाए, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 2021 में हो जाए, क्योंकि ये मुद्दा संसद में उठ गया था बार बार। ठीक है, और लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर 2020 से इस पर बात हो रही थी। ठीक है, तो जो अभी 8 लाख है, अभी का क्रिटीरिया है 8 लाख है, तो इसमें मेन क्या होगा, 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी जाए, और वो होगी, वो तो कन्फर्म होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चाह रही है 12 लाख कर दे। अदर कमेटी तो कह रही 15 या 16 लाख तो करो, लेकिन 12 लाख जरूर होगी। ठीक है, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।